नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कारी ज्ञान पर। शास्त्रों के अनुसार जब यह संसार आकाश पाताल ग्रह मंडल सूर्य चंद्रमा आदि कुछ भी नहीं था, तब केवल ओम था। ओम शब्द की गूंजकार से ही शिवलिंग की स्थापना हुई है, जिसकी सबसे पहले पूजा ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु द्वारा की गई थी। दोस्तों, शिवजी का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत है, वे सर्वव्यापी है, मोक्ष का द्वार है। यहाँ हर व्यक्ति को इस संसारी मायाजाल से मुक्ति प्रदान होती है। शिवजी के द्वार पर सभी एक समान है, चाहे मनुष्य हो, गंधर्व हो, पशु हो, भूत हो, प्रेत हो, जिन्हें कोई नहीं अपनाता उन्हें शिवजी के द्वार पर मुक्ति अवश्य मिलती है। शिवजी हर प्रकार की मोह माया से परे है। उन्हें धन धान्य लोभ लालच ऊंच नीच क्रोध घृणा आदि से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उन्हें केवल कोमल और सच्चे भक्ति भाव से ही जीता जा सकता है। शिवजी भोले भंडारी है, कोमल हृदय वाले है, जो हर किसी को क्षमा प्रदान करते हैं। किंतु शिवजी का एक रूप रौद्र रूप भी है, वो कुकर्म करने वालों को कभी क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो शिव पुराण के अनुसार मनुष्य को महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उन्हें महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। पहली बात, स्त्री का अपमान करना। शिवजी और माता पार्वती के अर्धनारेश्वर स्वरूप के बारे में तो हम सभी जानते हैं और उनकी पूजा आराधना भी करते हैं, किंतु फिर भी इस रूप का महत्व कुछ मनुष्य समझ नहीं पाते और स्त्रियों का अपमान या उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शिवजी आप पर प्रसन्न हो, तो महाशिवरात्रि के दिन भूल से भी किसी स्त्री का अपमान ना करें। दूसरी बात, पशु हत्या करना। शिवजी का एक स्वरूप पशुपतिनाथ भी है, जिसका अर्थ है कि शिवजी समस्त संसार के पशुओं के स्वामी हैं, उनके पालनहार है। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन किसी भी पशु के प्राण लेते हैं या उन्हें सताते हैं, तो यह माँ बाप से कम नहीं है। ऐसे लोगों को शिवजी के क्रोध का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों को शिवजी भयंकर दंड देते हैं। तीसरी बात, देर तक सोना। महाशिवरात्रि का अर्थ होता है शिवजी के भक्तों की रात्रि। इस दिन यदि कोई भक्त पूरी रात्रि जागकर शिवजी की भक्ति में लीन रहता है और प्रातःकाल स्नान आदि के बाद शिवजी की पूजा आराधना करता है, तो उसे पुण्य की प्राप्ति अवश्य होती है। किंतु यदि आप महाशिवरात्रि के दिन भी देर तक सोते रहते हैं, तो आपका भाग्य भी आपकी तरह सोता रह जाएगा, तो कृपया ये गलती भूल से भी ना करें। चौथी बात, पैसों का लालच करना। अगर आप सोच रहे हैं कि आप शिवजी को मोती जवाहरात धन धान्य से प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जो मनुष्य लालच करते हैं, दूसरों के साथ धोखेबाजी करके धन कमाते हैं, उन्हें शिवजी कभी क्षमा नहीं करते हैं। बल्कि अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से किसी जरूरतमंद को एक रुपया भी प्रदान करते हैं, तो उससे शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं। पांचवी बात, प्रेम प्रसंग करना। महाशिवरात्रि एक पवित्र त्यौहार है। इस दिन केवल माँ पार्वती और भगवान शिव के नाम का ही जाप करना चाहिए। इस दिन भूल से भी किसी प्रकार का अपवित्र कार्य ना करें। पति पत्नी को भी इस रात्रि में प्रेम प्रसंग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से महाशिवरात्रि के व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पति पत्नी भूल से भी महाशिवरात्रि की रात में प्रेम प्रसंग ना बनाएं। छठी बात, गुरु का अपमान करना। संसार के सबसे पहले गुरु शिवजी स्वयं हैं। उन्हीं से सारी सृष्टि को संगीत नृत्य कला और विज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए वे समस्त संसार के गुरु हैं। महाशिवरात्रि के दिन अपने गुरु का भूल से भी अपमान ना करें, नहीं तो शिवजी आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये थे वो कार्य जो महाशिवरात्रि के दिन आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल संस्कारी ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।